बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है शॉमी का रेडमी नोट 7 प्रो। ये फोन आता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ, मतलब कि आप इस फोन में एट ए टाइम या तो दो सिम चला सकते हो या फिर एक सिम के साथ एसडी कार्ड को। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर है हाइब्रिड सिम ट्रे और ये सिम ट्रे सपोर्ट करती है एट ए टाइम या तो दो सिम को या फिर एक सिम के साथ एक एसडी कार्ड को। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर मैं इस फोन के अंदर एट ए टाइम दोनों सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, आइए जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये तरीका पता है तो ठीक है, आप एक बार अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे थे, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि कैसे इस फोन के अंदर दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने उनको लिंक भी दिया, उनको बताया, बट उनके समझ से थोड़ा सा बाहर था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि कैसे Xiaomi Redmi Note 7 Pro के अंदर या फिर किसी भी ऐसे फोन के अंदर जिसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट है उसमें दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके फोन के अंदर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट है और आप एट ए टाइम या तो दो सिम चला रहे हो या फिर एक सिम के साथ एक एसडी कार्ड को, तो यहाँ पर आप दोनों सिम को एसडी कार्ड के साथ साइमल्टेनियसली चला सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको लेना होगा कुछ इस टाइप का एडेप्टर जो कि कॉमनली आपको मार्केट में 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में कहीं पर मिल जाएगा। तो आइए इसको खोलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का एडेप्टर है जो कि कॉमनली आपको मिल जाएगा और ये आपके फोन के अंदर जो हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है दो सिम और एक एसडी कार्ड स्लॉट में। कैसे दोस्तों? इसके लिए दोस्तों आपको इस कार्ड एडेप्टर को कुछ ऐसे रखना होगा, मतलब कि जहां पर दोस्तों आप एसडी कार्ड और सिम कार्ड को रखते हो तो आपको जहां पर सिम लगती है उस स्लॉट में वहां पर इस एडेप्टर को रखना होगा। उसके बाद एसडी कार्ड को इसके ऊपर रख देना होगा, ये कुछ इस टाइप से लगेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो सिम है पहली सिम उसको लगा देना होगा और इस एडेप्टर को डाल देना होगा अपने फोन के अंदर कुछ ऐसे। और उसके बाद जो दूसरी सिम है उसको आपको जो प्रोवाइडेड स्लॉट है यहाँ पर उसके अंदर डालना होगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर अभी जो एसडी कार्ड है वो डिटेक्ट हो चुका है और एक सिम अभी यहाँ पर डिटेक्ट हुई है। आइए इसको निकाल के दोबारा से लगाते हैं। तो इस समय दोस्तों दोनों सिम यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हो दोनों पर 4G कनेक्ट हो चुका है। और एसडी कार्ड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एसडी कार्ड भी डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस एडेप्टर के थ्रू अपनी हाइब्रिड सिम के ऊपर दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। बाद में दोस्तों अगर आपको ये जो एडेप्टर है ये थोड़ा सा अटपटा दिखता है तो आप अपने जो केस है उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो केस है वो थोड़ा सा मोटा है तो आप दोस्तों यहाँ पर खांचे बना सकते हो, मतलब कार्ड पीट के यहाँ पर इस एडेप्टर को सेट कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों ये ऐसे भी चल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप नोट 7 प्रो के अंदर दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। दोस्तों एक तरीका और भी है, मतलब कि वो तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बहुत पहले ये तरीका ट्राई किया था। अगर आपके पास ये अडेप्टर नहीं है या फिर आपको नहीं मिलता है या फिर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों एक तरीका और भी है। आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों जो सिम है उसको दोस्तों थोड़ा सा गर्म करना होगा, उसके बाद जो ये मेटल वाला पोर्शन है उसको निकालना होगा, उसके बाद इसको चिपकाना होगा इस एसडी कार्ड के ऊपर, उसके बाद इस एसडी कार्ड को मतलब कि इस मॉडिफाइड एसडी कार्ड को सिम ट्रे में लगाना होगा और उसके बाद जो दूसरी सिम है उसको ऊपर लगा के आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो डालना है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल रहता है। कई बार दोस्तों जो ट्रे है वो ख़राब हो जाती है, कई बार दोस्तों जो ट्रे है ये आपके अंदर ही फंस जाती है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा रिस्क रहता है। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, मैं दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप Xiaomi Redmi Note 7 Pro के अंदर दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि कैसे Xiaomi Redmi Note 7 Pro के अंदर दो सिम और एसडी कार्ड को साइमल्टेनियसली चलाया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।